सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। भावों का हमारे जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है। हमारे यहां एक कहा गया, भावना भावनाशिनी। जैसी हमारी भावना होती है वैसा हमारा जीवन होता है। पुरातन काल से इस विषय पर काफी गंभीर चर्चा, विमर्श और चिंतन भारतीय परंपराओं में रहा है। उनके साथ जैन परंपरा में तो भावना के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया गया, और ये कहा गया कि हमारा संपूर्ण जीवन, हमारी सारी साधना और हमारी सारी चर्या हमारी भावनाओं पर अवलंबित है। इतना ही नहीं, जैन साधकों ने व्रतों का निर्वाह भी भावना के बिना संभव नहीं है ऐसा निरूपित किया। मनुष्य अपने जीवन में लिए गए शुभ संकल्पों में स्थिरता तभी ला सकता है जब उसके हृदय में भावना का प्रवाह जारी रहे। कल मैंने आप सबसे भाव, प्रतिभाव, अहम भाव और अहोभाव की बात की थी। आज मैं उसी भाव को और आगे बढ़ा रहा हूँ। किसी मनुष्य का जीवन भाव शून्य तो नहीं है, लेकिन हमारे अंदर किस तरह के भाव हैं? एक तीन तरह के भाव हैं, एक अशुभ भाव, एक शुभ भाव और एक शुद्ध भाव। अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। शुभ और अशुभ भाव हमारी प्रतिक्रियात्मक परिणति है जो किसी निमित्त, किसी आलंबन के आश्रय से जुड़ती है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर आता है। एक दूसरे से प्रभावित होना, एक दूसरे को प्रभावित करना, ये सब हमारे अंदर के शुभ और अशुभ भाव के ऊपर अवलंबित है। लेकिन शुद्ध भाव सम भाव है,
आज बात मैं आपसे करूंगा, भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव, संभाव और प्रभाव। हमारे अंदर की स्थिति क्या है? भाव तो हमारे भीतर है। कैसे भाव है? शुभ है, अशुभ है या संभाव है, जिसको हम शुद्ध भाव कह सकते हैं। कौन सा भाव है? हाँ बोलो, शुभ भाव है। 24 घंटे शुभ भाव रहता है, क्या रहता है? अशुभ भाव रहता है। संभाव, मारा संभाव का तो पता ही नहीं चलता। शुभ भाव और अशुभ भाव होते हैं। आप देखिए कि शुभ और अशुभ भावों में मेरे भीतर किस भाव की प्रबलता है, शुभ भाव की या अशुभ भाव की? किस तरह के भाव की प्रबलता है? हर व्यक्ति का चेतन स्तर अलग अलग होता है, और जिस व्यक्ति का जैसा चेतन स्तर होता है उसके भीतर के भाव या भावनाएं उसी अनुरूप होती है। आप अपने मन को पलट करके देखिए कि मेरे भीतर किस तरह के भाव हैं। जैन साधना में एक शब्द आता है लेशा। लेशा का अगर हम बोलचाल की भाषा में अर्थ करें तो उसे हम कह सकते हैं भावों का रंग। जैसे हमारी भावधारा होती है, जैसे हमारी भावदशा होती है, हमारी लेशा वैसी हो जाती है। वैसी लेशा हो जाती है यानी हमारी मनोवृत्ति वैसी हो जाती है, वैसी हमारी भावना हो जाती है, और उस लेवल के व्यक्ति का आचार, विचार, व्यवहार, क्रिया सब कुछ वैसी हो जाती है। आप अपने मनोवृत्ति को पलट करके देखिए कि मेरी मनोवृत्ति किस तरह की है। अगर आपके अंदर शुभ भावों का प्राबल्य होगा तो आप सात्विक मनोवृत्ति के धनी होंगे, और अशुभ भाव की अधिकता होगी तो आपके अंदर राजसिक और तामसिक वृत्ति का बाहल्य होगा। अपने अंदर छान के देखिए, झांक के देखिए कैसे भाव है। भाव तो संस्कारवश उभरते ही रहते हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। मेरे अंदर के भाव कैसे हैं, पहला सवाल। क्या बोलेंगे हम? अगर हम 10 अंक रखें तो 10 अंक में शुभ भाव और अशुभ भाव का बंटवारा करें तो क्या होगा, बोलो? शुभ को कितने नंबर? हाँ बोलो, 10 में 10 तो हाँ 5। क्या हो गया भाई, हिसाब से बोलो। तो अपनी कापी है, चाहे जितने नंबर दे दो, खुद को वैल्यूएशन करना है। कितने आपको अपना आकलन करना है। यदि आप अपना विकास करना चाहते हैं, अपना भावनात्मक स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हैं, अपनी मनोवृत्ति को बदलना चाहते हैं, तो आपको खुद की कसौटी पर खुद को कसना होगा। अपने भीतर आपको खुद जांचना परखना होगा कि मैं हूं कहां। आप बताइए 10 में से शुभ भाव के कितने नंबर? 2 नंबर। 1 बोल रहे हैं, चलिए 1 और 2 है, बाकी 8 किस में है? अशुभ में है। क्या करना है? जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना है? हाँ क्या करना है? आगे करना है, इसको पलट दो। अगर तुम कह रहे हो कि 10 में से 2 नंबर शुभ के हैं, 8 नंबर अशुभ के हैं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र दे रहा हूं, उसको आप अपना लोगे तो 10 में से 8 नंबर शुभ के और 2 नंबर अशुभ के हो जाएंगे।
चाहते हो। अशुभ को शुभ में बदलना है, कैसे बदले? देखिए हमारे अंदर के जो भाव होते हैं अबुद्धि पूर्वक ज्यादा आते हैं, अबुद्धि पूर्वक। हम चला करके वैसे भाव करें तो शुभ भाव में तो करना पड़ता है, अशुभ भाव कभी चला के नहीं करना पड़ता। करना पड़ता है क्या? अपने आप। क्यों? ये अबुद्धि पूर्वक जो भाव आ रहे हैं इसका रूट क्या है, इसकी जड़ क्या है, इसका स्रोत क्या है, ये कहां से उत्पन्न होते हैं? आपने कभी विचार किया कहां से आते हैं भाव? हाँ? क्या हो गया बोलो, पता है महाराज? आ जाते हैं हमको तो पता ही नहीं है, आते हम तो उसमें बह जाते हैं। ये हमारा संस्कार है। मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं यह सब हमारे सबकॉन्शियस में जमा हुए संस्कारों का प्रतिफलन है। मनोविज्ञान कहता है मनुष्य का दो मन है, एक तार्किक मन और एक अतार्किक मन। जो हमारा व्यक्त मन है जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये सब चीज़ों का विचार विमर्श करके बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर, भाव आ भी जाते हैं तो कुछ को हम प्रकट करते हैं, कुछ को हम दबा लेते हैं, ये सब कॉन्शियस माइंड का काम है। लेकिन इसकी जड़ क्या है, इसका स्रोत क्या है? सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड में जो भी हम संस्कार आरोपित करते हैं वो उसमें जमते जाते हैं, वो सबको संग्रहित करता रहता है और कालांतर में वही प्रतिफलित होता है। तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जैसे संस्कार जमे होते हैं वे ही संस्कार हमारे कॉन्शियस माइंड में आते हैं और उभर कर हमारी स्थायी भावना का रूप धर लेते हैं, और जैसी भावना होती है वैसी हमारी प्रवृत्ति बन जाती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा हमारा चरित्र हो जाता है, और जैसा चरित्र होता है वैसा हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। जड़ क्या है? सब कॉन्शियस में पड़े हुए संस्कार। उन संस्कारों को हमें बदलना है। कैसे बदले? एक अहम प्रश्न है। अपने सब कॉन्शियस माइंड में जमे हुए संस्कारों को हम कैसे बदलें? जैन कर्म शास्त्र की भाषा में हम जब बात करते हैं तो ये कहते हैं ये कर्म के संस्कार है, और कर्म के संस्कार कर्म की निर्जरा से बदलेंगे। निर्जरा यानी कर्मों का छड़ना। ये निर्जरा क्या है आपने कभी समझा? कर्मों को बंधना होता है, कर्मों की छूटने को निर्जरा कहते हैं। तो कभी तुमने कर्म को बंधते हुए और कर्म को छूटते हुए महसूस किया, जलते हुए महसूस किया? नहीं ना। वस्तुतः कर्म बंध और कर्म जड़ है, एक पृथक सत्ताभूत पदार्थ है, पर वो हमें दिखता नहीं। जब बंधता हुआ कर्म नहीं दिखेगा तो झड़ता हुआ कर्म कैसे दिखेगा? लेकिन कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। कर्म अपने आप हमारे साथ नहीं बंधते जब तक कि हमारा मन उसके साथ नहीं जुड़ता। तो जैन शास्त्रों में बताया हर तत्व का दो रूप है, एक भावात्मक रूप और दूसरा उसका द्रव्यात्मक रूप। द्रव्यात्मक रूप मूर्तिक है, जड़ है, और भावात्मक रूप चैतन्य है, आंतरिक है, चैतसिक है। वो चैतसिक रूप हमारा अपना है, तो हम जब बंध करते हैं तो उसको बोलते हैं भाव बंध। क्या बोलते हैं? भाव बंध है। हमारे अंदर के जो भी राग द्वेष आदि के विकार हैं
हमारी जो मनोवृत्ति से उत्पन्न परिणतियां हैं ये सब के सब भाव बंद है। हमारे अंदर जो भी शुभ अशुभ भाव आए उसके अनुरूप बंध हो गया, यानी हमारा भाव ही बंद है। तो निर्जरा हमारे अंदर की जो भाव विशुद्धि है वही निर्जरा है। हमारे अंदर की जो भावनात्मक शुद्धि है, मन में भावात्मक विशुद्धि उत्पन्न हो रही है, उस विशुद्धि के प्रतिफल स्वरूप हमारी आत्मा से जुड़े हुए कर्म आत्मा से अलग होने को बाध्य हो जाते हैं, और उसी भाव विशुद्धि का नाम भाव निर्जरा है। आज जो बात मैं आप सबको बता रहा हूं थोड़ा गंभीरता से समझिएगा, ये पूरी तरह से जैन मनोविज्ञान है। आधुनिक मनोविज्ञान के पंडितों ने तो इसकी आज व्याख्या की, पर यह हमारी बड़ी पुरातन चिरंतन और शाश्वत विवेचना है जो हमारी साधना का प्राण है। उसे हम आत्मसात करके चले तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। तो जैन साधना कहती है कि एक भाव तुम्हें कर्म से जोड़ता है तो एक भाव ऐसा है जो तुम्हें कर्म से अलग करता है, कर्म को तोड़ता है। तो ये दोनों तुम्हारे भाव हैं। एक भाव जो शुभाशुभ भाव है वो कर्म को बांध रहा है, राग द्वेष के कारण बांध रहा है, और एक सम भाव है जिससे कर्म तुम्हारी आत्मा से अलग होने को बाध्य हो रहे हैं, यानी बंधन और मुक्ति दोनों हमारी भावना से जुड़े हुए। बात समझ में आ रही? हमारे भावों से जुड़े हुए। मनोविज्ञान भी इसी बात को अपनी भाषा में कहता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी संस्कार जुड़े हुए हैं उन संस्कारों के निर्मूलन के लिए हम जो चाहते हैं वैसी फीडिंग सबकॉन्शियस में दे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसमें जो एक सिद्धांत विकसित हुआ है, आज पश्चिम में बहुत तेजी से लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो और कुछ नहीं हमारी जैन साधना ही है। वो कहते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स, हमारे विचार वस्तु में परिवर्तित हो जाते हैं। उनकी अपनी एक चिंतन धारा है, वो पदार्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, और हमारी साधना परमार्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात करती है। वो कहती है कि तुझे अपने भीतर के परमात्म तत्व को प्राप्त करना है तो हर पल इस बात का चिंतन करो, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं निर्विकार हूँ। ऐसा चिंतन अनवरत करते 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 एक पल ऐसा आएगा कि तुम वैसा अनुभव करने लगोगे और वैसे बन जाओगे। थॉट्स बिकम थिंग्स का यही एक रूप है जो हमारे सारे अध्यात्म के शास्त्रों में बहुत पुराने समय से कहा गया कि बार 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 भावना भावो। आज मैं बात कर रहा हूं आपको परमात्मा बनाने की बात अभी नहीं करूंगा क्योंकि अभी पूरा चौमासा बाकी है, पर अभी तो मैं आपको केवल एक बेस बता रहा हूं। राज से हो सकता है ये विवेचना लंबे समय तक चले। हमको अपने अंदर जो अभी आपने कहा कि 10 में से 2 भाव शुभ और 8 भाव अशुभ, इसे पलट कर 8 भाव शुभ और 2 भाव अशुभ में कैसे लाए? भाव शुद्धि के तरफ ध्यान रखें। भाव शुद्धि के तरफ ध्यान रखने के एक ही उपाय है कि शुभ भाव के संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अधिकतम पड़े। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में शुभ के संस्कारों का बीजारोपण करें ताकि वो फलीभूत हो और हमारे जीवन में शुभ संस्कार बढ़े। उसके 4 उपाय आज आपको बता रहा हूं।
इन चार उपायों को आप अगर अपने साथ जोड़ना शुरू करें तो आप पाएंगे आपके अंदर व्यापक बदलाव घटित हुआ है। सबसे पहला है प्रार्थना। क्या आप लोग प्रार्थना करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? क्या करते हो प्रार्थना में? महाराज भगवान के पास जाते हैं, रटी रटाई विनती भगवान को सुना के आ जाते हैं। हाँ? करते हैं प्रार्थना? कैसी प्रार्थना करते हो इसका विचार कभी किया? प्रार्थना जीवन में व्यापक बदलाव लाती है। सबसे पहली बात, प्रार्थना का अर्थ क्या है? देखिए, भक्ति, प्रार्थना, पूजा, अर्चना, ये चार शब्द हैं। चारों शब्द एक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। गुणानुराग को भक्ति कहते हैं, गुणानुराग को भक्ति कहते हैं। भगवान के प्रति अष्टद्रव्य से अपनी भक्ति को प्रकाशित करने का नाम अर्चना है, और पूज्य पुरुषों के गुणों को आत्मसात करने की क्रिया का नाम पूजा है। प्रार्थना आत्मनिवेदन है। प्रार्थना के साथ भी याचना, कामना और प्रार्थना, इन तीनों शब्दों को भी समझिए। याचना, कामना, प्रार्थना। याचना यानी मांगना, भगवान के पास जाओ, कुछ भी मांगो। लोग याचक बनकर भगवान के पास जाते हैं, अपने अपने हिसाब से भगवान से क्या क्या मांगते हैं वो तो मांगने वाले ही जानते हैं और भगवान जानते हैं। कामना, अपनी इच्छा को प्रकट करना। कामना भी दो तरह की होती है, एक शुभ कामना, एक अशुभ कामना। हम मंगल कामना भी प्रकट करते हैं, सारे लोक के मंगल की कामना भगवान के समक्ष करते हैं, और अपनी कुछ भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी अपनी कामना को प्रकट करते हैं। याचना और कामना में एक मौलिक अंतर होता है। याचना में अपनी इच्छा पूर्ति का प्रबल आग्रह होता है, और कामना में केवल एक प्रकार का निवेदन होता है। लेकिन इससे आगे का शब्द है प्रार्थना। प्रार्थना में कुछ नहीं है, आत्मनिवेदन है। क्या है? निवेदन, आत्मनिवेदन। अपने इष्ट आराध्य को साक्षी मानकर या उनकी साक्षी में जाकर उनसे अपने कुछ ऐसी प्रार्थना करना जिससे अपने आप को सबल, समर्थ, शक्तिशाली और स्थिर बनाया जा सके। प्रार्थना में भौतिक कामना नहीं होती, प्रार्थना में याचना नहीं होती, प्रार्थना में केवल एक आत्म निवेदन होता है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। हमारे लिए वो प्रार्थना संबल बन जाती है। तो आपने कभी ऐसी प्रार्थना की भगवान के समक्ष, गुरु के समक्ष? प्रार्थना करते हो? नहीं। प्रार्थना करते हो, रटा रटाया पाठ पढ़ करके आ जाते हो, और आप अपने आप को कृतार्थ महसूस करने लगते हो कि मैंने एक बड़ी प्रार्थना कर ली। नहीं, मैं उस प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं। जिस प्रार्थना में हृदय के भाव न जुड़े वो जड़ प्रार्थना है। जड़ प्रार्थना से जीवन में जीवंतता नहीं आ सकती। प्रार्थना कौन सी प्रार्थना जो आज मैं बता रहा हूं, आप शुरू कीजिए, देखिए आपके अंदर कितना चेंज आता है। आज से जो बोल रहा हूं, 10 में से आपने 2 शुभ 8 अशुभ बताए, आज से मैं जो कह रहा हूं अगर आज से चलना शुरू करोगे तो चतुर्मास के आखिरी तक, इतनी जल्दी नहीं होना, क्रॉनिक डिजीज है, एक डोज में हो जाए काम तो फिर बात ही क्या है।
चातुर्मास की आखिरी तक आप इस स्थिति में निश्चयता पहुंचोगे जो आप कहोगे महाराज आपने जो बोला बिल्कुल उल्टा हो गया, 10 में से 8 शुभ और 2 अशुभ। ताली बजाने से काम नहीं होगा, पहले तो ईमानदारी से बोलो ये चेंज तुम लोग चाहते हो कि केवल मेरे सामने बोलते हो, हाँ पक्के में चाहते हो? तो बताई दे रहा हूँ केवल चाहने से काम नहीं होगा, आपको चलना पड़ेगा। जो रास्ता मैं बता रहा हूँ उस रास्ते पर चलोगे निश्चयता बदलाव आएगा। प्रार्थना कीजिए, कहाँ? मंदिर में जाके? नहीं, सुबह उठते ही बिस्तर से प्रार्थना की शुरुआत कीजिए। आंख खोलिए, जैसी आंख खुले बताओ। आंख खोलने के बाद क्या करते हो आप लोग? सबसे पहला आपकी पूछ रहा हूं, नमोकार पढ़ते हैं, आंखें मीलते मीलते उठते हैं, अलसाई आंखों से उठते हैं, होता है। क्या करो देखो, एक प्रार्थना बताता हूं आपको। आंख खोलते ही सुबह से अपने दिन की शुरुआत यदि आप मेरी तरह करोगे तो आप जैसे मेरे चेहरे में हर पल प्रसन्नता देखते हो ना, 24 घंटे आपके अंदर भी प्रसन्नता आ सकती है। क्या करना? सुबह उठो, सबसे पहले अपने हृदय को प्रसन्नता से भरो। क्यों भरो? क्यों भरो? इसलिए कि आज मेरे ऊपर प्रकृति की कितनी बड़ी कृपा है जिसने मुझे जीवन का एक नया दिन दिया है। बोलो, प्रकृति की एक गिफ्ट है कि नहीं? रात सोते में चले जाते तो बहुत लोग हैं जो सोए सोए निपट जाते हैं, हम आपका भी नंबर आ सकता है, लेकिन सुबह उठे आंख खोले हैं एक नया दिन देख रहे हैं तो ये कितनी बड़ी गिफ्ट है, गिफ्ट है कि नहीं? बोलो। तुम्हें कोई 2 रुपये की गिफ्ट देता है चेहरे पे स्माइल आती है कि नहीं आती है? प्रकृति ने तुम्हें नया दिन दिया, चेहरे पर उठते समय कोई चमक आती है, प्रसन्नता आती है? अपने मन से पूछना, नहीं आती, कल से शुरू करो, आज का दिन तो निकल गया। खूब प्रसन्नता से भरो अपने हृदय को, अहो भाव से भरो, मैं कितना भाग्यशाली कि आज मुझे जीवन का एक नया दिन देखने का सौसर मिला है, सौभाग्य मिला है कि नहीं? भाग्य से हमने नया दिन पाया तो मुझे इस नए दिन को एक अच्छा दिन बनाना है, अपने भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करना है और यहीं से अपनी प्रार्थना की शुरुआत करना है। सुबह उठो और याद करो, हे परम पिता परमात्मा, तेरी कृपा से मैंने आज जीवन का नया दिन पाया, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि नमन। किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, कृतज्ञता व्यक्त करूं, मेरे पास शब्द नहीं। बहुत बड़ी कृपा है तेरी, बस एक प्रार्थना है, एक प्रार्थना है कि तूने मुझे नया दिन दिया, बस इतनी प्रार्थना है कि मुझे इतनी शक्ति देना, ऐसा संबल देना कि मैं आज के दिन को अच्छा दिन बना सकूं। ये बात करो, ये प्रार्थना, आज के दिन को मैं एक अच्छा दिन बना सकूं, मेरे द्वारा आज कुछ भी अकृत ना हो, आज जो कुछ भी मैं करूं अच्छा सोचूं, अच्छा बोलूं, अच्छा करूं, अपने दिन को अच्छा बना सकूं, ये प्रार्थना। ये प्रार्थना अगर आप हृदय से करो तो उसके सबकॉन्शियस में असर पड़ेंगे। तुम नमोकार जपो, भगवान का नाम लो, ये सब बात की बातें हैं, इनका क्या इफेक्ट होगा आगे कभी चर्चा करूंगा, लेकिन मन में हृदय में ये बात अगर तुम बैठाओगे, आज का दिन अच्छा दिन बने, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, ये प्रार्थना अपने हृदय के उद्गार बनने चाहिए। ऐसी प्रार्थना अगर आए तो उसका प्रभाव दिन भर तुम पर पड़ेगा। तो ये तो सुबह की शुरुआत करो, उसके बाद
प्रत्यक्ष परमात्मा के दर्शन के लिए मंदिर जाओ। मंदिर जाकर के जो पाठ पूजा तुम्हें करना है करो, पर भगवान से एक प्रार्थना मेरी तरह रोज करो, हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने जीवन को अच्छा बना सकूं, मेरा आज का दिन अच्छा बन सके। प्रभु जब कभी पाप के क्षेत्र में मेरे हाथ पड़े, इतनी कृपा करना, मेरा हाथ पकड़ लेना, मेरे कदम उस तरफ बढ़े, मेरे कदम कीलित कर देना, मुझे सावधान कर देना, मैं कहीं बुरी दृष्टि से किसी को देखूं नहीं, बुरा व्यवहार किसी से करूं नहीं, बुरे वचन किसी से बोलूं नहीं, और बुरे भाव मेरे मन में आए नहीं, ये प्रार्थना। आज तक आपने ऐसी कभी प्रार्थना की नहीं? की ना, बदलाव कैसे आएगा? शुरुआत कीजिए, इसके लिए कोई पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल भीतर से जागने की आवश्यकता है। रटी रटाई प्रार्थना से क्या बदलाव होगा मैं नहीं कह सकता, पर जैसा मैं बता रहा हूं वैसी प्रार्थना का असर चिरस्थाई होगा, इसमें कोई संशय नहीं। बदलाव आएगा तभी जब आप चाहोगे, ये प्रार्थना करो। तो महाराज फिर कल से जितनी स्तुति विनती प्रार्थना है बंद कर दे? अच्छा बता दिया, पूजा उजा करना भी बंद कर दे? ध्यान रखो वो प्रार्थना नहीं है, वो एक आलंबन है, वो उपासना है, और वो आवश्यक है इसलिए कि हमारे मन को आलंबन चाहिए। यदि हम उसे अच्छे आलंबन नहीं देंगे तो बुरे आलंबनों में चला जाएगा, फिर अशुभ भाव हो जाएंगे। तो अशुभ से बचने के लिए ये सब करो, और अशुभ मेरे अंदर से कम हो उसके लिए जो मैं बोल रहा हूं वो प्रार्थना करो। ये तो अपने आप को शुभ में इंगेज करने का एक माध्यम है जो आप करते हो, पर शुभ में इंगेज होने मात्र से काम नहीं होगा। तुम्हारी पूजा तुम्हें शुभ में रमाएगी, और मेरी प्रार्थना तुम्हारे जीवन को शुभ और शुद्ध बनाएगी। तुम तय करो, शुभ में रमना ज्यादा कठिन नहीं है, सब रम जाते हैं। अभी देखो कितने शुभ भाव है तुम लोगों के, हैं कि नहीं है बोलो, है ना महाराज? आपके पास तो भाव ही अलग हो जाता है, तो जाते क्यों, यहीं रहो। शुभ में रमना सरल है, पर शुभमय होना बहुत कठिन है। शुभमय होने के लिए अपने सबकॉन्शियस में वैसे संस्कारों का बीजारोपण आवश्यक है। तो एक है प्रार्थना, समझ में आया? चालू करेंगे आप लोग कितनी देर? एक मिनट दो मिनट भी पर्याप्त है अगर हृदय से करो तो। इस प्रार्थना को धीरे धीरे अपनी भावना बना लो, देखो जीवन में कितना बदलाव आता है। दूसरा है सत्संग। क्या है सत्संग? वो हमारे जीवन के रंग को परिवर्तित कर देता है, रंग बदल देता है। हम जब भी सत्संग में आते हैं हमें एक अलग प्रकार का मोटिवेशन मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। और सत्संग जब हम हृदय से भर कर करते हैं मोटिवेशन मिलता है, और पूरी चर्चा में हम एक आध वाक्य भी अगर सूत्र वाक्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो वो हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। एक वाक्य पूरे जीवन में बदलाव घटित कर देता है। मैं उन सत्संगियों की बात नहीं करता जो सत्संग करते हैं पर बस जैसे के तैसे करते हैं। बाप बेटा दोनों मुनि महाराज के प्रवचन के लिए गए, पिताजी रोज जाते थे, पिता के कहने पर बेटा पहली बार प्रवचन में आया, महाराज का प्रवचन सुना, और महाराज का प्रवचन सुनने के बाद लगा कि नहीं, महाराज ने जीवन को सच्चाई के पथ पर चलने की प्रेरणा दी है,
हमें सच्चाई के पथ पर ही चलना चाहिए, ये सोचा। और ये सोच करके वो आगे चला। दोनों प्रवचन सुनकर दुकान में आए। दुकान में आने के बाद पिता ने कहा, क्यों भाई, दाल में मिलावट कर ली, चावल में मिलावट कर ली, तेल में मिलावट कर ली? बेटे ने कहा, पापा ये क्या कह रहे हैं आप, पापा आप ये क्या कह रहे हैं, महाराज ने तो कहा ये सब पाप है, अधर्म। उन्होंने कहा, बेटा तू कहाँ जानता, वो धर्म है ये धंधा, हम दोनों को एक दूसरे में मिलावट नहीं करते, वो धर्म है ये धंधा, हमने एक घंटा प्रवचन सुना, हमारा धर्म हो गया, अब धंधा ही हमारा धर्म है। ये जिनकी अप्रोच है मैं उनकी बात नहीं करता। बेटा एक दिन प्रवचन सुना और समझ गया क्या सही और क्या गलत है, और बाप प्रवचन सुनते सुनते अपने बाल पका लिए पर जहाँ के तहाँ। तो ये चीज़ों में एक बदलाव, जो बदलाव हमें घटित करना चाहिए, हम सत्संग करें अंतरंग से। सत्संग, आप प्रत्यक्ष बैठकर सत्संग कर रहे हैं, कई लोग घर में बैठे बैठे सत्संग करते हैं। कैसा सत्संग करते हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं तो सामने आ करके बस ठीक है महाराज आए हम सुन रहे, ये मनोदशा के साथ। आने वाला सत्संग हमें वांछित परिणाम नहीं देगा। सत्संग अंतरंग से होना चाहिए, उसे ये देख कर समझ करके करना चाहिए कि ये मेरे लिए दिया गया गुरु का मार्गदर्शन, मुझे मार्गदर्शन लेना है और मार्गदर्शन लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। ऐसी दशा में आप सत्संग करेंगे तो बहुत बदलाव आएगा। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनने सत्संग से अपने जीवन को बदला है। सत्संग करने का मतलब अपनी बैटरी को चार्ज करके रखना, बैटरी चार्ज हो जाए, हमारा मन एकदम रिचार्ज हो जाए। तो एक घंटा का सत्संग लो, सत्संग लेते ही संकल्प करो कि आज सत्संग में मुझे जो बात बताई गई आज के दिन मैं इसे दोहराऊंगा, आज के दिन इसे मैं दोहराऊंगा। ये सत्संग, ये नियमित होना चाहिए। सत्संग का एक दूसरा रूप है स्वाध्याय, वो भी एक सत्संग ही है। आप गुरुओं के साक्षी में जाकर सत्संग कर सके बहुत अच्छा है, नहीं मिल पाए तो स्वाध्याय करें, शास्त्रों का अध्ययन करें। शास्त्रों का अध्ययन आपकी मनोवृत्ति को बदलने में एक कारण है, और वो भी नहीं कर पाए तो अपना अंतर विश्लेषण करके देखें कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं, ये भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। और उसके अनुरूप अगर संकल्प अपने मन में जोड़ोगे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। तो प्रार्थना, सत्संग, तीसरा है जो स्वात्म चिंतन हर व्यक्ति को करना चाहिए। स्वात्म चिंतन, स्वात्म चिंतन भी दो तरीके से है, एक अपने स्वरूप का चिंतन और एक अपनी स्थिति का विचार। आध्यात्मिक दृष्टि से हमें हमेशा अपने स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। स्वात्म चिंतन के क्रम में ये देखे कि मैं निर्विकार स्वभाव वाला होने के बाद भी विकारों से कितना प्रभावित हूँ, मेरे अंदर की विकृतियाँ कितनी हैं, मुझ में बुराइयाँ कितनी हैं, मेरे दोष, दुर्गुण, दुर्बलताएँ कितनी हैं जो मुझे दुखी बना रही हैं। हमेशा हर पल अपने उस निर्दोष, दोष रहित, शुद्ध सद्गुणों के भंडार स्वरूप अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते हुए सोचना ये चाहिए, मैं हूँ ये पर हो क्या गया, मैं हूँ क्या और हो क्या गया, मुझे अपने उस शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना है। ये स्वात्म चिंतन है, आत्मा के शुद्ध स्वरूप का चिंतन करना हमारे सबकॉन्शियस में बदलाव लाएगा। और उसके लिए कुछ सूत्रों को आत्मसात करें और उसे बार बार दोहराएं, जैसे शुद्धोहम, शुद्धोहम,
शुद्धो हम, इसका चिंतन, निरंजनो हम, निरंजनो हम, निरंजनो हम का चिंतन, दोष रहितो हम, दोष रहितो हम, दोष रहितो हम, विकार विवर्जितो हम, विकार विवर्जितो हम, विकार विवर्जितो हम, जिनके अंदर कषायों की अधिकता है, कषाय रहितो हम, कषाय रहितो हम, अक्रोधो हम, अमानो हम, अलोभो हम, माया विवर्जितो हम, ये सूत्र दो चार कोई सूक्त याद करे और इन सूत्रों को आधार बनाकर कम से कम 108-108 बार एक एक सूक्त को दोहराए, मन ही मन अनुगूंज हो, उसका क्या लाभ होगा? तो उसका सीधा लाभ ये होगा कि ये बात आपके सबकॉन्शियस में जाएगी और धीरे धीरे ये कॉन्शियस माइंड में प्रकट होकर आपकी स्थायी भावना बन जाएगी, और जब ये स्थायी भावना बनेगी तो आपका चरित्र वैसा होगा, आपकी प्रवृत्ति वैसी होगी, फिर आपका व्यक्तित्व भी वैसा बन जाएगा। आप कीजिए, सामायिक तो आप लोग करते हो, पर कौन सी सामायिक? बैठ के ऊंघने वाली सामायिक। एक जगह बैठकर ऊंघना या केवल माला फेरने का नाम सामायिक नहीं है, मन को विशुद्ध और निर्मल बनाने के अनुष्ठान का नाम सामायिक है। हम वो करें, ये स्वात्म चिंतन, देखिए जीवन में कितना बड़ा बदलाव घटित होता है। लेकिन एक बात और जोड़ता हूं, ये सब उसी के अंदर घटित होगा जो अंदर से चाहता है। तुम कितना बदलाव चाहते हो? थोड़ा बहुत करते हो पर कुछ नहीं होता, बोले चलने दो, ये सब तो चलता है, हम तो गृहस्थ हैं। कुछ कहेंगे 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, हमें थोड़ा चलना पड़ेगा। भाई चलो, फिर तुम्हें बीमारी रहने की आदत बन गई है तो तुम जानो, बीमारी झेलो भोगो, हमको क्या करना। भाई डॉक्टर के पास आए हो, अपना इलाज कराना चाहते हो तो तुम्हें डॉक्टर के हिसाब से चलना होगा, डॉक्टर तुम्हारे हिसाब से चलने वाला नहीं है। संस्कृत में सुक्ति नहीं आतुरानुवर्ती भिषक, रोगी के हिसाब से दवाई नहीं दी जाती, रोग के हिसाब से दवाई दी जाती। चिकित्सा रोग के हिसाब से है। आप अगर स्वस्थ होना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया अपनाना शुरू करें, तो प्रार्थना, सत्संग या स्वाध्याय, स्वात्म चिंतन और आखिरी एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है जीवन के बदलाव की, वो है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब, आप लोग प्रतिक्रमण करते हैं, क्या करते हैं? प्रतिक्रमण करने के समय कुछ पाठ पढ़ना शुरू करते हैं, आप लोग अपनी आलोचना पाठ को भी प्रतिक्रमण मान लेते हैं। और एक बार मैंने देखा एक बहन जी झाड़ू लगाते हुए आलोचना पाठ पढ़ रही थी, ऐसे प्रतिक्रमण से नहीं, वो प्रतिक्रमण नहीं। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? बहुत बड़ी साधना है प्रतिक्रमण, बहुत बड़ी साधना जो हमारे जीवन में आमूलचूल बदलाव घटित कर दे, ऐसी साधना। कृत दोष निरायरणम परिक्रमणम, किए गए दोषों के निराकरण का नाम प्रतिक्रमण है। किसका? किए गए दोषों का निराकरण। दोष हो गए, अब निराकरण करें। अगर कहीं कूड़ा करकट है उसकी सफाई नहीं करोगे तो क्या होगा? गंदगी होगी। तो थोड़ा भी घर में आपके कचरा होता है तो आप क्या करते हैं? अब ठीक है भाई, कचरा नहीं रोक पाए तो बुहारी तो लगाए। डस्ट प्रूफ घर बनाने के बाद भी कहीं ना कहीं से कचरा आ ही जाता है, आता है कि नहीं आता? तो आप लोग क्या करते हैं? झाड़ू लगाते हैं। तो जब डस्ट प्रूफ घर में भी कचरा आने पर झाड़ू लगाना पड़ता है, तो जिसका घर चारों तरफ से खुला है, सारे खिड़की दरवाजे खुले हैं और आजू बाजू में खूब धूल और तेज आंधी चलती हो, तो कचरा आएगा कि नहीं आएगा?
अब वो बुहारी नहीं लगाएगा तो क्या होगा, घर घूरा बन जाएगा और क्या होगा, है ना? घूरा समझते हैं ना, जहाँ कचरे का ढेर है उसको घूरा बोलते हैं, तो वो घूरे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा कभी गलती करते हैं क्या? नहीं महाराज, आप ऐसी बात कैसे करते हैं, हम तो कचरा देखते ही तुरंत सफाई करते हैं। करते कि नहीं? अपने घर के कचरे को साफ करने की तुम जितनी तत्परता दिखाते हो, मन के कचरे को साफ करने के लिए दिखा दो, जीवन निहाल हो जाएगा। और मन के कचरे की इसी सफाई का नाम प्रतिक्रमण है। कैसा प्रतिक्रमण? प्रयोग कीजिए, मैंने कई लोगों से प्रयोग कराया और इसका बहुत गहरा प्रभाव परिलक्षित हुआ है। क्या करना है? शाम के समय अगर संभव हो तो भगवान की साक्षी में, और यदि संभव ना हो तो अपने घर के एकांत में परोक्ष रूप से देव को, गुरु को साक्षी मानकर, अपनी आत्मा को साक्षी मानकर सुबह से शाम तक के अपने सारे विचारों को रिकॉल कीजिए। मैं सुबह उठने से लेकर अब तक क्या क्या किया, क्या क्या बोला, क्या क्या सोचा, उन सबको रिकॉल कीजिए, उसकी तटस्थ भाव से समीक्षा कीजिए। मैंने अपने बेटे को फिजूल में डांट दिया, उसकी उतनी गलती नहीं थी, मुझे उसकी बात सुननी थी, पर बिना सुने मैंने उसे डांट दिया, ये गलत किया, हे प्रभु मेरा ये पाप मिथ्या हो, आइंदा मैं इसका ध्यान रखूंगा। उस ग्राहक को देख करके बेचारा भोला ग्राहक था, हमने ज़्यादा दाम बता दिया और उसने दाम दे दिया, वाकई में ये मेरी एक बहुत बड़ी चोरी थी, मैंने उसके साथ मिसचीफ किया, लालच में आकर ऐसा किया, हे प्रभु मेरा ये पाप मिथ्या हो, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरी गलती पर उन्होंने मुझे डांटा पर मुझे बुरा लग गया, मैंने उनको बुरी दृष्टि से देखा, मैं उन्हें आंखों से घूर दिया, मन से उनके लिए भला बुरा कहा, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना था, वो मेरे भले के लिए कह रहे थे, गलती मेरी थी, अब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं इसका ध्यान रखूंगा, हे प्रभु मेरा ये पाप मिथ्या हो। उदाहरण लीजिए, एक एक करके कितने बोलूं तो एक घंटा इसी में निकल जाएगा। आपको अपने विचारों को रिकॉल करना है, सुबह उठने से लेकर के सोने के पहले तक जब आप प्रतिक्रमण की स्थिति में आए, अपने सारे विचारों को रिकॉल कीजिए, और जहां जहां आप पटरी से नीचे उतरे उसकी निंदा कीजिए, उसकी गर्हा कीजिए, नहीं ये गलत है, ये सिंफुल एक्ट है, ये पापमय प्रवृत्ति है, मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना चाहिए था। औरों के पाप को कोई पहचान पाए या न पहचान पाए, पर मन के पाप को तो हर इंसान पहचानता ही है, और हमें उसे ही साफ करना है। रिकॉल कीजिए और एक एक को साफ करते जाइए, साफ करते जाइए, साफ करते जाइए। अपनी निंदा गढ़ा कीजिए, 15 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा, आंख बंद करके 15 मिनट अगर आप ये नियमित करते हो तो आप कुछ ही दिनों में पाएंगे आप में बहुत बड़ा बदलाव घटित हुआ है। बहुत सारी दुर्बलताएं हैं मन की, पर ये विचार बार बार करने से हमारे सबकॉन्शियस में वो संस्कार उभरेंगे जो हमें ऐसे एक्ट के प्रति सावधान करेंगे। फिर एक अवस्था ऐसी आएगी जब ऐसा आप ऐसी प्रतिक्रिया देने को हुए कि आपका मन कहेगा कहाँ, ये तो गलत है, मुझे नहीं करना। ये प्रतिक्रमण है जिसे तपस्या कहा गया। लोग खूब प्रतिक्रमण करते हैं, खूब सामायिक करते हैं,
लेकिन मन से पूछो वो प्रतिक्रमण है कि केवल शब्दों का पाठ? पाठ करना प्रतिक्रमण नहीं है, पश्चाताप से भरे उद्गार का नाम प्रतिक्रमण है। अंतो अंतो डच्छामि पच्छुत्तावेन वे अंतो, पश्चाताप की पीड़ा से पीड़ित होते हुए जो अंदर ही अंदर जले उसका नाम प्रतिक्रमण है। हे प्रभु मैंने ये क्रिया किया, ये गलत है, गलत था, मैं अपने आदतवश, अपने प्रमादवश, लालचवश, कसायवश, अज्ञानवश ऐसा कर दिया, मुझे इसका पश्चाताप है, अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि अब दोबारा कभी ऐसा मौका आए तो मैं बहकू नहीं, मैं किसी को बुरी दृष्टि से न देखूं, मैं पर धन पर न लुभाऊं, मैं पर वनिता पर न लुभाऊं, मेरे अंदर कषाय के भाव ना आए, मैं क्रोधादि के विकारों में न बहूं। जहां जहां मैं ट्रैक से नीचे उतरा हूं उसका पश्चाताप करते हुए ये प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा विशुद्ध प्रतिक्रमण होगा और ये प्रतिक्रमण तुम्हारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर देगा। करेंगे आप लोग? कितने लोग चालू करेंगे ये चारों काम? कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, उनको लगता है कि उनको जरूरत नहीं है। करो सब। कितना देर लगना है? प्रार्थना करना है, संगति करना है, प्रवचन में तो रोज आएंगे आप, आपका सत्संग हो गया, अंतरंग से करोगे बदलाव आएगा, एक कोने में बैठ के कुछ विचार कर लेना, स्वात्म चिंतन करो, प्रतिक्रमण करो, देखोगे चातुर्मास के आखिरी आखिरी तक तुम इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि अभी 2 और 8 है, बाद में 8 और 2 हो जाएंगे, ये जीवन में परिवर्तन। तो तुम्हारा शुभ भाव बढ़ेगा, अशुभ भाव घटेगा, संभाव और प्रभाव की बात फिर आगे करी जाएगी। समय आप सबका हो गया है, ये प्रवचन को प्रवचन की तरह मत सुनिए। मैं जो भी बातें करता हूँ व्यवहारिक जीवन में उतारने की बातें करता हूँ। 4 बातें बस याद रखिए और आज 4 साधना आपको बताइए, आप इसका अनुपालन कीजिए और इसको नियमित कीजिए, नियमित, तो बहुत बड़ा बदलाव आपके भीतर घटित होगा। मेरे संपर्क में अनेक लोग हैं जिनने मुझसे प्रेरणा पाने के बाद इस तरह की साधनाओं को अपनाया है, आज वो बोलते हैं महाराज हमारे अंदर गजब का परिवर्तन आया है, गजब का परिवर्तन आया है। और यही धर्माराधन है, यही साधना है, यही तपस्या है, यही उपासना है, इसी में जीवन का सार है। आप सब इसे आत्मसात करें और जीवन को आगे बढ़ाने का उपक्रम करें। इसी स्वभाव के साथ बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, जय जय जय, प्रभु गुरुदेव की जय, जय जय, जय।